हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी हाँ, आज बहुत ज़्यादा लेजी दिन है भाई। मतलब इतना आलस आ रहा है कि मेरे को बोलने में आलस आ रहा है। मतलब समझ सकते हो, आलस का लेवल समझ रहे हो तुम? आज बज रहे हैं 2 एंड हम कॉलेज नहीं गए हैं आज। जी हाँ, क्योंकि देखो आज क्लास सिर्फ एक अटेंड करने हुई थी प्रॉपर, ठीक है। वो हमारा भगवान टीचर है, मतलब उसकी क्लास में समझ में आता है तो उसकी क्लास हमने मतलब कि बंक नहीं करेंगे। बट फिर मेरे को लगा कि यार सुबह उठ गया था मैं, रिलीजियसली 6:30 बजे उठ गया था मैं कि कॉलेज जाएंगे। फिर मेरे को भाई ठंड हो रही थी, कंबल था ऊपर, नींद आ रही थी, थका हुआ था। मैंने बोला भाई सो जाते हैं, 11 बजे कॉलेज जाएंगे, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट का कुछ काम करना था। कल प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस देनी है, तो इसलिए गाइड से मिलना था। एक टीचर हमको मिलता है गाइड टीचर, तो वो तुमको प्रोजेक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से तो उसको मिलना था, उसको प्रोजेक्ट दिखाना था कि सर ऐसा ऐसा लिस्ट है। बट देन हम लोग नहीं गए, हमने क्या किया, बलि के बकरा हमारा जो बनिया है उसको आगे कर दिया कि भाई तू जाना, तू जाके सर को दिखा देना, ऐसे ऐसे करके हमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, जाके दिखा देना। अब वो टीचर ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हारी टीम किधर है, टीम लेके आओ और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स लेके आओ, तब बात करेंगे। मतलब अलग डिमांडिंग लेवल पे है भाई, इतना डिमांडिंग कोई कैसे हो सकता है भाई। और फिर भी ठीक है, इतनी अच्छी रैपो चल रही थी टीचर्स के साथ। आई गेस इट वॉज अ शॉर्ट इनिंग्स, लाइक MS धोनी इन IPLs। इट वॉज अ शॉर्ट इनिंग्स बट लवली इनिंग्स। इसके बाद कल टीचर हमारे वो मारेगा कि कल कहाँ थे, तो एक रीज़न बनाना पड़ेगा हमको। चलो कोई बात नहीं भाई, होता रहता। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में छोटी छोटी बातें होती रहती। और एक टीचर जिसके नोट्स कंप्लीट करने थे, उसके 23 पन्ने निकले, मतलब 23 पन्ने लिखने मेरे को। वो शायद रात को हम 5-6 लिख के फिर उसको बोलेंगे सर इतना तो रेगुलर आया है सर, हम क्या करें सर, अब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए बस, और क्या। एनीवेज अभी हम बैठेंगे स्ट्रीम करने के लिए 4 बजे तक, क्योंकि रात को मेरे को एक स्लॉट फ्री चाहिए था अपना। सो आई स्ट्रीम नाउ फ्रॉम 2 to 4 आई गेस। अभी मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेट इट चार्ज अप टू 90%, उसके बाद हम स्ट्रीम करेंगे। एंड देन आई टेल यू व्हाट ऑल आई डिड इन माय डे टू डे। बाय। ओ नो, 7 बजने वाला है भाई। मैंने 5 बजे तक स्ट्रीम की थी, फिर उसके बाद चिल कर रहा था थोड़ा, मतलब यूजलेस पड़ा हुआ था, इज़ माई चिलिंग। लेकिन पता नहीं क्या करूँ, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कॉलेज का भी काम है, नोट्स कम्प्लीट करने हैं, एंड देन आई हैव टू स्टडी अ लिटल बिट, थोड़ा कुछ नई चीज़ें सीखनी है। एंड देन देर इज़ माई क्रिएटिव वर्क, आई हैव टू राइट द स्क्रिप्ट फॉर अ न्यू एपिसोड दिस वीक, एंड आई हैव टू एडिट दिस व्लॉग, बिकॉज हर दिन व्लॉग जाना ज़रूरी है। कॉन्टेंट हो ना हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो एवरी डे अ व्लॉग विल बी अपलोडेड, एंड आई डोंट केयर वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ द व्लॉग, बिकॉज आई एम अ इंडियन चिंदी यूट्यूबर। मजाक भाई, आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। अब आती नहीं है तो कहाँ से गेम कर दें। और यार एक्चुअली क्या हुआ था, दिस वीक आई मिस्ड माई फर्स्ट डे ऑफ वर्कआउट, दैट इज़ ऑन मंडे आई टुक रेस्ट, बिकॉज मेरे को ट्यूजडे सुबह उठना था जल्दी, एंड इफ आई हैड गॉन फॉर अ रन इन मंडे ऑन मंडे इवनिंग, तो सुबह उठने में बीटी हुआ था। तो देन आई वॉज लाइक ओके मंडे इज़ अ रेस्ट डे, एंड ट्यूजडे से शुरू हुआ। सो आई थॉट कि आज इस वीक आई पुश टिल सैटरडे, बट देन फ्राइडे को ही आई एम लाइक ब्रो डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू वर्कआउट टूडे, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकता मैं स्किपिंग करने, कुछ भी करने। ऊपर डंबल्स रखे हैं, दे आर यूजलेस टू मी राइट नाउ बिकॉज आई कैंट डू एनीथिंग आउट ऑफ देम। बट देन आई डोंट नो वॉट टू डू, आई डोंट नो इफ आई विल पुश माई सेल्फ टूडे और जस्ट स्लीप, बिकॉज आई नीड स्लीप, आई हैवेंट रियली स्लेप्ट और रेस्टेड, डोंट नो वॉट टू डू। लेट्स सी गाइस। यार ये कितना ब्यूटिफुल वेदर हो रहा है, आई मीन जस्ट लुक एट द क्लाउड्स। बैंगलोर स्काई इज सच एन ओपी स्काई, आई मीन बैंगलोर वेदर इज जस्ट ओपी। और ये बिल्डिंग देखने के बाद हर बार है ना मेरे को वो होता है भाई, हर बार कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी लंबी बिल्डिंग है भाई, इतनी लंबी बिल्डिंग, उसके ऊपर हेलीपैड भी है भाई, एकदम गरीब सी फील आने लगती है मेरे को, ओ माय गॉड। और हल्की हल्की बारिश भी हुई थी आज, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं आई गेस। एंड अच्छा मस्त चिल मौसम है, ऐसे मौसम में जैकेट डालो, छत पर आओ, गाने सुनो, रो और चले जाओ वापस, बस इतना ही है। एंड टुडे इज़ अ रियली शॉकिंग एंड अ सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस।
एंड यू नो विच जस्ट इट जस्ट रिमाइंड्स अस दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव इन लाइफ एंड टेल आर लव्ड वंस दैट वी यू नो लव देम एंड वी ऑलवेज क्लोज टू देम नो मैटर वॉट हैपन्स एंड यू नो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सेकेंड दैट यू हैव इन योर ब्यूटिफुल लाइफ एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर गॉड दैट ही इज़ गिवन यू सच अ गुड लाइफ एंड नॉट टू क्रिब अबाउट वॉट यू डोंट हैव जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड जस्ट यू नो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी एंड जस्ट यू नो डोंट केयर अबाउट अदर्स सो नॉट केयर अबाउट अदर इन द सेंस लाइक डोंट थिंक दैट अदर्स विल जज यू और समथिंग जस्ट डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी एंड जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड आई गेस दैट सम्स अप माई व्लॉग फॉर टुडे एंड I guess I'll see you guys in another vlog tomorrow and I love you all. Thank you for watching my videos. Bye.